हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेट टाइम बाउंड गोल। दिस इज योर संदीप भैया। और यार, जैक चंडीगढ़ का रिजल्ट आ चुका है, फर्स्ट अलॉटमेंट का रिजल्ट आ चुका है। एंड मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन जिन लोगों को सीट मिली, ठीक है, और जिनको नहीं भी मिली है उनको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, नेक्स्ट फर्दर राउंड में आप ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि जैक चंडीगढ़ की काउंसलिंग का रिजल्ट देखना कैसे है और उसके आगे का प्रोसेस क्या करना है, ठीक है। तो जैक चंडीगढ़ के आप उसमें जाइए तो यहाँ पे आपको जैक चंडीगढ़ का दिखेगा एक्टिविटी बोर्ड में राउंड वन सीट अलॉटमेंट रिजल्ट फॉर एडमिशन। यू हैव टू क्लिक ऑन दिट और ऑन दिस, और जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो लगभग ऐसा एक पोर्टल आपको खुल के आएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जस्ट साइन इन करना है और आप वहाँ पे देख सकते हो कि उसका आपको क्या मिला हुआ है और क्या नहीं मिला हुआ है। ये जो UIT चंडीगढ़ है, दैट इज द बेस्ट कॉलेज ऑफ जैक चंडीगढ़, मतलब जैक चंडीगढ़ में सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इस पर डिटेल वीडियो बनाया, तो आप एक बार उसे देख लेना कि किसका फीस कितना है, किसका प्लेसमेंट कितना है। उसके बाद से केमिकल वाला जो SS भटनागर है, दैट इज आल्सो गुड, ठीक है। तो ये जो पांच ही कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं, अगर UIT चंडीगढ़ मिल रहा है तो तुम्हें प्लेसमेंट की टेंशन नहीं लेनी है। पर 22 से 30 लाख के बीच में इसका हाईएस्ट प्लेसमेंट है और 6 लाख इसका एवरेज प्लेसमेंट है। फीस भी चूंकि इनकी काफ़ी कम होती है तो यू कैन पार्टिसिपेट हियर, ठीक है। तो अभी क्या करना है कि जाके सारे लोग पहले देखो और उसके बाद से तुम्हें जो जो कॉलेजेस मिल रहे हैं उसको एक दूसरे से कंपेयर करना है। जैसे तुम्हें अपने स्टेट में मिला हुआ है और UIT मतलब चंडीगढ़ में भी मिला हुआ है, तो तुम देखो तुमसे बेटर वो तुम्हारे स्टेट के कॉलेज से बेटर है या नहीं बेटर है, वहाँ जाना मेरे लिए प्रेफरेबल है या नहीं है। तुम्हारे मन में कोई भी काउंसलिंग से रिगार्डिंग डाउट हो तो यू कैन आस्क टू मी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।